बता दें कि हाल ही में फिल्म जवान का एक मोशन पोस्टर शेयर किया गया था। इसमें एक वॉकी टॉकी पर जवान लिखा हुआ था, साथ ही अनाउंसमेंट में कमिंग सून भी लिखा हुआ था। इस मोशन पोस्टर को शेयर करने के बाद जवान फिल्म का सभी को बेसब्री से इंतजार था और पठान के बाद शाहरुख खान की इस फिल्म के लिए तो लोगों में बहुत ही ज्यादा क्रेज है। वहीं अब जवान फिल्म का प्रीव्यू रिलीज हो चुका है और इस फिल्म का प्रीव्यू देखने से तो ये साफ हो गया है कि फिल्म में काफी सारी चीजें दिलचस्प देखने को मिलेंगी। जी हाँ, बता दें कि प्रीव्यू से ये पता चल रहा है कि जवान एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एक ऐसे व्यक्ति की इमोशनल जर्नी को दिखाती है जो समाज में गलतियों को सुधारने के लिए तैयार है। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ नयनतारा, विजय सेतुपति और दीपिका नजर आएंगी। और सिर्फ यही नहीं, फिल्म के प्रीव्यू को देखकर यह भी लग रहा है कि शाहरुख खान एक अलग अंदाज में नजर आएंगे जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया हो। वहीं शाहरुख खान ने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर एक टैगलाइन के साथ जवान का वीडियो शेयर करते हुए प्रीव्यू के रिलीज की तारीख और समय का खुलासा किया था, जिसमें शाहरुख खान ने लिखा था, मैं पुण्य हूँ या पाप हूँ, मैं अभी आप हूँ। जिसके बाद जवान प्रीव्यू आज 10 जुलाई को रिलीज हुआ है, जो कि पूरी दुनिया में 7 सितंबर 2023 को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। और सिर्फ यही नहीं, इससे पहले सोशल मीडिया पर नयनतारा की एक फोटो भी वायरल हुई थी, जिसे देखकर हर कोई कह रहा है कि ये नयनतारा का जवान में लुक होने वाला है। वहीं फिल्म की बजट की बात करें तो कहा जा रहा है कि फिल्म जवान के ओटीटी राइट्स के लिए नेटफ्लिक्स ने 120 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस फिल्म में अनिरुद्ध ने म्यूजिक दिया है और इसमें खास बात तो ये बताई जा रही है कि इस फिल्म में दो गाने हैं, जिसमें से एक गाना नयनतारा पर तो दूसरा दीपिका पादुकोण पर फिल्माया गया है। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।